ज्ञान यज्ञ की इस अनोखी कक्षा में आपका स्वागत है। मैं हूँ आरती। चलिए शुरू करते हैं आज का अध्याय। टेली ईआरपी 9 के इस अध्याय में हम सीखेंगे कंपनी लोगो फीचर का उपयोग करना। हमारी कंपनी की ओर से जब हम किसी भी तरह का कोई पेपर किसी पार्टी को या कस्टमर को देते हैं, चाहे वो सेल्स इनवॉइस हो या डिलीवरी चालान हो, डेबिट नोट हो, क्रेडिट नोट हो, आउटस्टैंडिंग रिसीवेबल्स हो या रिमाइंडर लेटर्स हो, पे स्लिप्स हो, परचेज ऑर्डर्स हो, रिसीट वाउचर्स हो या फिर कंफर्मेशन ऑफ अकाउंट हो, इस तरह का कोई भी पेपर जब हम देते हैं तो उस पर कंपनी का नाम तो होता ही है, पर अगर आप चाहते हैं कि कंपनी के नाम के साथ लोगो भी आए तो उसके लिए हमको एक फीचर जो है वो चालू करना होगा। इसके लिए हम जाएंगे फीचर्स पर, F11 की प्रेस करके। अभी कंपनी फीचर्स आ गए, इसमें अकाउंटिंग फीचर्स पर जाएंगे। अकाउंटिंग फीचर्स में, अदर फीचर्स में सबसे नीचे हमको एक ऑप्शन मिलता है एनेबल कंपनी लोगो, इसको यस कर देंगे और अब इसको एंटर प्रेस करेंगे। तो यहाँ पर ये कंपनी लोगो में आपसे पूछेगा लोकेशन ऑफ लोगो, मतलब आपके सिस्टम में जहाँ भी आपने वो लोगो सेव करके रखा है वो लोकेशन आपको यहाँ पर देना होगी। हमने अपना लोगो कंप्यूटर के डी ड्राइव में लोगो नाम की फाइल में रखा है, तो वो लोकेशन हम यहाँ पर डाल देंगे। अब इसमें जो और कुछ बातें खास ध्यान रखनी वो ये कि आपका जो लोगो है वो BMP या JPEG फॉर्मेट में होना चाहिए, और दूसरी बात जो रिकमेंडेड साइज है लोगो का वो चौड़ाई में 96 पिक्सल्स और ऊंचाई में 80 पिक्सल होना चाहिए। ये रिकमेंडेड साइज है, इससे ऊपर आपका लोगो ना हो, इससे थोड़ा छोटा भले ही चलेगा, पर जो बेहतर साइज है वो ये वाला है, तो आप इस साइज का उपयोग करें। और जिस फॉर्मेट में आपका लोगो है वो यहाँ पर आपको डॉट लगा के देना होगा। हमारा जो लोगो है वो BMP फॉर्मेट में है तो डॉट लगा के हमने BMP दे दिया। अगर आपका JPEG में हो तो आप JPEG लिख दें। अब एंटर प्रेस करेंगे, इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। अब स्किप की दबाते हुए हम यहाँ से बाहर आ जाएं। ये फीचर ऑन हो गया है। किस तरह से लोगो सेल्स इनवॉइस पर नजर आएगा ये अगर हमको देखना है तो हम ये डिस्प्ले पर जाते हैं पहले, और यहाँ से हम डे बुक में जाकर के सेल्स की एक एंट्री देख लेते हैं। ये जैसे कस्टमर बी को हमने सेल किया है कोई भी माल, अब इस पे हमको देखना है, एंटर प्रेस करेंगे तो ये सेल्स इनवॉइस हमारे सामने आ गया है। अब हमको अगर देखना है प्रीव्यू कि लोगो आया या नहीं, तो हम ये प्रिंट पर जाएंगे, अल्ट पी प्रेस करेंगे उसके लिए। अब यहाँ पर यस कर देंगे प्रीव्यू देखने के लिए। अब ये देखिए यहाँ पर जो है ये पूरा हमको प्रीव्यू नज़र आ रहा है, और हमको इसको अच्छे से देखना है तो जूम कर दें, इसके लिए ऑल्ट जेड प्रेस कर दें। तो अब ये देखिए यहाँ पर आपको ये जो कंपनी का नाम है HK ट्रेडर्स, उसके साथ यहाँ पर लोगो नज़र आ रहा है। उदाहरण के लिए हमने ज्ञान यज्ञ का लोगो यहाँ पर ले लिया है, बाकी आपकी कंपनी का जो भी लोगो बना होगा वो आपको यहाँ पर नज़र आ जाएगा। टेली ईआरपी 9 के इस अध्याय में हमने सीखा कंपनी लोगो फीचर का उपयोग करना।